ये कैसे कैसे होता है, वेट, टायर का वेट होता है, किस जगह पर वेट लग रहा है, ये लेफ्ट का अंदर का वेट हो गया, राइट का बाहर का। ये भाई टायर घूम गया यहाँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की वीडियो जो ये है बेसिकली व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को लेके होने वाली है। मैं अपनी गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए लेके जा रहा था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं इसी से रिलेटेड कि कैसे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट होता है और कब हम लोगों को जनरली ये करवानी चाहिए। मैं टायर रोटेशन भी करवाने वाला हूं। मेरी स्टाटा पंच में दो तरीके के टायर रोटेशन अवेलेबल है, या तो मैं स्टेपनी को यूज करके तब मैं टायर रोटेशन करवाऊं तो वो प्रोसेस एक अलग है, उसके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई दी है। ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम टायर रोटेशन करने वाले हैं विदाउट यूजिंग स्पेयर व्हील वाली जो टायर रोटेशन होती है वही वाली आज हम टायर रोटेशन करने वाले हैं। अभी तक मेरी जो स्पेयर व्हील है वो अनयूज्ड है और न ही उसकी बैलेंसिंग हो रखी है, तो मैंने यही सोचा कि जो बाकी चार टायर्स हैं जिन टायर्स पे ये गाड़ी चल रही है क्यों ना उन्हीं व्हील्स की मैं रोटेशन करवा लूं विदाउट यूजिंग एनी स्पेयर व्हील। तो वही सब इस वीडियो में होने वाला है। अगर आपको टायर रोटेशन समझना है तो आप अपनी मैनुअल भी चेक कर सकते। चलते हैं जल्दी से पहले तो एक टायर शॉप पे जहाँ पे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हो जाए। देखिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों अलग अलग चीज हैं। अलाइनमेंट कैसे होता है वो भी आपको दिख जाएगा, बैलेंसिंग कैसे होता है मतलब व्हील का बैलेंस आउट है कई बार तो उसमें वेट्स के थोड़े थोड़े गुटके से लगाए जाते हैं ताकि व्हील आपका बैलेंस हो जाए, ना तो अंदर की तरफ से घिसे ज्यादा व्हील और ना ही बाहर की तरफ से। ये बहुत जरूरी है। मेरी गाड़ी अभी 10,000 किलोमीटर चली है और 10,000 पे इसका पहला व्हील रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराने जा रहा हूं। तो चलते हैं जल्दी से शॉप पे और देखते हैं कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। तो ये हो रही बैलेंसिंग, समझाओगे थोड़ा सा मुझे सर। ये दो जो ये आ रहे ये कैसे कैसे होता है, वेट, टायर का वेट होता है, किस जगह पर वेट लग रहा है। अच्छा ठीक है। और उधर वाला ये लेफ्ट का अंदर का वेट हो गया। अच्छा ये वाला और ये राइट का बाहर का। ओके 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 ये बता दिए। तो ये टायर लगा दिया यहाँ पे और इसका लेफ्ट और राइट दोनों का वेट पता चल जाएगा, अंदर और बाहर वाला। ये पुराने वेट निकाल देते हैं, पुराने वेट इसमें से निकाल देते हैं जब नई बैलेंसिंग होती है। ये भाई टायर घूम गया यहाँ। ये वेट बता दिया इन्हें कितने वेट लगेगा। अच्छा 10 ग्राम और 15 ग्राम। ये 10 ग्राम और 15 ग्राम, 15 ग्राम अंदर की तरफ और 10 ग्राम बाहर की तरफ। 10 ग्राम बाहर की तरफ। ये फिर दोबारा घुमा दिया चेक करने के लिए। अब फिर कह रहा 5-5 ग्राम। सर 5 ग्राम का कोई वेट नहीं होता इसलिए इक्वल वेट लगता है। ओके तो 5 ग्राम का कोई वेट नहीं होता तो इसलिए इक्वल वेट रहता है। अब इसमें हम 10 ग्राम का बताता है तो वेट लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये है फ्रंट का टायर, ड्राइवर साइड फ्रंट का टायर है। अब इसकी बैलेंसिंग होगी, ये 10 अंदर की तरफ 15 बाहर की तरफ। इसको तो जब ये चारों डॉट्स दिखने लगेंगी अंदर वाली जो 10 के नीचे हैं तो वहीं पे वेट लगता है। यहाँ पर लगेगा ये यहाँ पे वेट लगेगा। ये बढ़िया में अंदर की साइड लगा दिया और ऐसी जहाँ 15 की ये चारों बत्तियाँ जलेंगी वहाँ लगेगा वेट। तो अब इन्होंने वेट लगा के दोबारा चलाई मशीन, ये अब भी 10-10 आ रहा है। वेट दोबारा से रीकरेक्ट किया है। भाई जब भी आप लोग अपने टायर रोटेशन कराएं तो कोशिश कीजिए कि आपकी गाड़ी के साथ जो मैनुअल आया है उसके हिसाब से टायर रोटेशन कराइए, क्योंकि हर गाड़ी का एक अलग प्रोसेस होता है टायर रोटेशन का। मैं दिखा देता हूं टाटा पंच के साथ जो मैनुअल मिला था उसमें टायर रोटेशन का पैटर्न क्या है। अगर आप स्पेयर व्हील नहीं यूज कर रहे हैं तो टायर रोटेशन का पैटर्न टाटा पंच में ये वाला है, मतलब जो फ्रंट का टायर है वो पीछे आएगा और वही भैया ने किया।
यहाँ का जो फ्रंट का व्हील है वो निकाल के इन्होंने पीछे लगा दिया है और उसी को टाइटन अप कर रहे हैं अभी। इसकी बैलेंसिंग वगैरह हो चुकी है ऑलरेडी। और जो इसमें बैक का टायर है वो पैसेंजर साइड फ्रंट पे लगेगा। अब को पैसेंजर साइड वाले टायर्स भी निकालने वाले हैं भैया, इनको भी बैलेंसिंग करेंगे। और जो ड्राइवर साइड का पीछे वाला टायर था वो को पैसेंजर साइड आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ की तरफ आएगा। जो पीछे वाला टायर हमने निकाला है अभी, पीछे से जो टायर निकला था वो ये आ चुका है, और ये वाला टायर भैया आगे की तरफ लगाएंगे इधर। तो ये वाला टायर भैया ने निकाल लिया, और जो पीछे से ड्राइवर साइड के पीछे से जो टायर निकला था, रियर टायर जिसे हम कहते हैं ड्राइवर साइड का, वो भैया ने यहाँ पे लगा दिया। भैया जनरली कितने किलोमीटर के बाद बैलेंसिंग अलाइनमेंट चेक करा लेना चाहिए? 3000 किलोमीटर 25000 किलोमीटर। कितना? 3000? 30000 25000। अच्छा, ये 10000 पे चेकिंग हो रही है इसकी। सर सही है, आपको देखो आपकी ही फायदा है इसमें। अगर आप जल्दी कराओगे तो आपके टायर बचेंगे, वरना टायर खाली खा जाते पता भी नहीं लगती। आगे का टायर बदलने के बाद भैया ने अब पीछे जैक लगा दिया और पीछे का टायर निकाल रहे हैं। फिर इन दोनों की बैलेंसिंग होगी। आगे से जो टायर निकला वो रख दिया भैया ने यहाँ पे, पीछे का टायर भी निकाल रहे हैं भैया, उसकी भी बैलेंसिंग चेक होगी। तो भाई ये एक और टायर लगा दिया भैया ने, जो फ्रंट की तरफ से को पैसेंजर साइड से जो निकला है। अच्छा, पुराने निकाल देते हो आप बैलेंसिंग? पुराना वेट भी कर देता है, जब चलते सर ऑटोमेटिक है। ओके, 35 और 50 इनके अंदर वेट होता है क्या? सर ये रहा, ये वेट ही होता है, 50 ग्राम का वेट होता है। अच्छा, 50 ग्राम का। ओके, तो कुछ भाई ऐसी टुक्की से होते हैं, ये वेट होती हैं। तो ये लगा दिया जी वेट, दोबारा रोटेट करके देखा है, ये 10 ग्राम का वेट लग रहा है अंदर की तरफ जी। ये भी 10 ग्राम का है जी सर। को पैसेंजर की साइड से रियर वाला जो टायर निकला था वो आगे ड्राइवर साइड के फ्रंट पे लग चुका है, और यही मेरा मैनुअल भी बोलता है, मतलब टाटा पंच का जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से टायर रोटेशन बताई गई है। बस अब एक टायर रहता है। दस एंड 15 00 ये इन्होंने कुछ भाई अलाइनमेंट के लिए भी लगा दिया, आगे के टायर पे भी, पीछे के टायर पे भी, और ऐसी उन्होंने उधर वाले टायर्स पे भी लगाया। या किन के आगे लाइट आ गए? ये फोकस करते हैं। अच्छा, ये जो कैमरे हैं ये इसको फोकस करते हैं और उससे अलाइनमेंट सेट होता है। चारों तो चारों टायर्स पे लगेगा भाई ये कुछ सिस्टम सा। सिस्टम चल चुका भाई। भैया नीचे जाएंगे अब और नीचे से अलाइनमेंट चेक करेंगे। अलाइनमेंट भी चेक हो चुका है, अलाइनमेंट ज़्यादा आउट नहीं था तो ये एक अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा अलाइनमेंट सेट होने में। और आजकल सारी मशीन्स के थ्रू होता है, ये 3D मशीन है, इसमें चारों टायर्स में भैया ने कुछ सेंसर्स लगाए थे जिससे पता चल जाता है अलाइनमेंट कितना आउट है कितना नहीं। तो बस अब कंप्लीट हो चुके है, गाड़ी लेके चलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। व्हील रोटेशन, व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट तीनों ही चीजें मैंने डिटेल्ड में दिखाई हैं किस तरीके से होता है। मैं टाटा पंच ऑन करता हूँ तो अपनी गाड़ी का मैंने दिखाया है,
आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी ये चीजें समझने में, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। मिलूंगा फिर बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर एक नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।